नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। राधा रानी पर छेड़े गए विवाद के बाद अप्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा आखिरकार नाक रगड़ने पर मजबूर हो गए। राधा रानी पर बयान देकर विवादों में आए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शनिवार दोपहर अचानक बरसाना पहुंचे। वहां राधा रानी को दंडवत प्रणाम कर माफी मांगी। 5 मिनट मंदिर में रहने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा बाहर निकले और हाथ जोड़कर ब्रजवासियों का अभिनंदन किया। इस दौरान श्री जी मंदिर के पास भारी पुलिस बल तैनात रहा। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए आखिर क्या था वो मुद्दा जिसके कारण प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा को मंदिर में रगड़नी पड़ी नाक। मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडू जी से क्षमा चाहता हूँ। पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक प्रवचन के दौरान कहा था कि राधा बरसाना की नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी। बरसाना में उनके पिता का दरबार था और वो साल में एक बार वहां जाती थी। उन्होंने ये भी कहा कि राधा का नाम भगवान कृष्ण की रानियों में नहीं है, उनके पति में श्री कृष्ण का नाम नहीं है। राधा के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। उन्होंने दावा किया कि राधा का विवाह छात्रा गाँव में हुआ था। पंडित प्रदीप मिश्रा की इन टिप्पणियों के बाद संत समाज भड़क गया था। मथुरा के प्रेमानंद महाराज ने तो उन पर सबसे ज्यादा आक्रोश व्यक्त किया था। इसके बाद ये मांग उठ रही थी कि पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाना आए और माफी मांगे, जिसके बाद आज राधा रानी के बारे में लोगों को गलत तथ्य बताए जाने के बाद उठे बवाल और संत समाज में विरोध को देखते हुए प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा बरसाना के राधा रानी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने वक्तव्य के लिए राधा रानी से क्षमा याचना की। पंडित अमित भरद्वाज पदाधिकारी ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ने बताया कि मंदिर में प्रदीप मिश्रा को ना तुलसी दी गई, ना माला और ना ही प्रसादी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी मुहिम चलाई थी और लगातार मंचों के माध्यम से कहा गया कि समस्त प्रकरण में अखिल भारत हिंदू महासभा लगातार साथ रही और ब्रजवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रकरण में दोषी प्रदीप मिश्रा के खिलाफ पंचायत के पश्चात जो 3 दिन का समय उनको दिया गया था उसमें सहभागिता की। आज उन्होंने माफी मांगी। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। पंडित संजय हरियाणा ने अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से इस प्रकरण के समाप्ति की घोषणा भी की। तुरंत यहाँ ना होगा, नीचे दियो 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 के बीच में आना शाम को पाप। मेरी महारानी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडू जी से क्षमा चाहता हूँ। ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुँचे शास्त्री जी हो चाहे अन्य शास्त्री जी हो, किसी के लिए भी कोई प्रयोग नहीं दिया जाए। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। अब देखा जाए तो इस मुद्दे का अंत यहाँ जरूर हो गया है, लेकिन संत समाज शायद ही कभी इस मुद्दों को भुला पाएगा। मथुरा बरसाने में राधा रानी केवल एक भगवान नहीं उनकी माता जैसी हैं। ऐसे में पंडित प्रदीप मिश्रा को आज माफी जरूर मिल गई है, लेकिन यहाँ सम्मान शायद कभी दोबारा उस तरह का ना मिले। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।